हाँ सही है, मतलब वैलेंटाइन डे एक दिन के रूप में मिल जाता है। उसके बाद से यार विश्वास ही उठ गया वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। जिस टाइम पे वैलेंटाइन डे आता था उस टाइम में मेरा ब्रेकअप हो जाता था। इसे कैलेंडर से हटा देना चाहिए। अरे ऐसा क्यों रोहित जी? हम लोग जो है सिंगल रह करके ही बहुत लड़कियों से फ्लर्ट कर सकते हैं। तो हम तो चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। इंडिया में उसका कुछ दूसरा रूप चलता है जनरली। एज अ पबजी प्लेयर मेरा मानना है कि सिंगल रहना ही अच्छा है। जो प्यार में है उसके लिए तो हर दिन ही एक वैलेंटाइन डे है। अरे वाह क्या बात। तो स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है। और भजन कर का भी खतरा। अनंत जी आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपके मतलब दिमाग में वैलेंटाइन डे को लेकर क्या ओपिनियंस हैं और आपके प्लान क्या हैं? कोई खास प्लान नहीं है मेरे वैलेंटाइन डे के बारे में, और ये सब फेक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस इट इज द फेस्टिवल ऑफ लवर्स, द फेस्टिवल्स ऑफ द रिलेशनशिप। देखा वैलेंटाइन डे कुछ नहीं होता। हर दिन आपके वैलेंटाइन है, आप उसको क्या करते हैं? अपना वैलेंटाइन आएगा तो सिंगल ही तो आया है, और मिंगल होकर जाएगा। क्योंकि वैलेंटाइन डे तो मेरे ख्याल से ये आशिकों का त्यौहार है। जो सिंगल है उसके लिए तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से ब्लैक डे ही है। ब्लैक डे। स्कूलों के दिनों में मेरे एक इंग्लिश के शिक्षक थे, वो बताते थे कि वैलेंटाइन कोई सेंट थे। सेंट बोले तो बाबा। हाँ बाबा, मतलब यहाँ जो वैलेंटाइन बाबा, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग ये डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। और वो उनका मानना था वैलेंटाइन बाबा का कि लोगों में मतलब प्यार बांटना चाहिए, प्यार स्प्रेड करना उनका मेन मोटो था। अभी थोड़ी देर पहले श्रीनिवास भाई आपको बताए थे कि वैलेंटाइन डे कोई एक दिन का प्यार नहीं, ये सदियों चलते हैं। प्यार प्यार कोई ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में कर लिए, ये सात जन्मों में है। वैलेंटाइन है मेरे लिए सिर्फ एक तारीख है, तो बाकी कुछ नहीं। आपका जवाब सुन के ऐसा लग रहा है कि आपके कोई प्लान भी नहीं होंगे फिर। नहीं नहीं ऐसा कोई खास प्लान नहीं है। बस ये है कि अगर कोई नया कपल्स बनना चाहता है तो हम लोग उस दिन में स्टार्टिंग डे रोज डे से होता है। अगर आप किसी को रोज दें तो वो लड़की अगर रोज एक्सेप्ट करती है तो समझ लो आप उससे बनना आपके लिए कुछ। ये तो बाबू सोना का त्यौहार है, और हाँ मोहब्बत होते हैं, और हम तो चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। ऐसी बात नहीं विकास भाई, जिनको मोहब्बत होती है उनके लिए भी एक अच्छा त्यौहार है। ये देख भाई आशिक, सच्चा आशिक। सच्चा आशिक है यार। वैलेंटाइन डे पे कोई तो ओपिनियन नहीं है, बट वैलेंटाइन डे वैसे कुछ खास नहीं मानते हैं हम इस चीज को यार। बस एज ए बस इसी टाइप का होता है वैलेंटाइन डे। नए नए लोग भी होते हैं। आप कुछ भी कहें बट वैलेंटाइन डे इज वेरी स्पेशल फॉर द वंस हु आर इन द रिलेशनशिप। उनके लिए पूरा कंप्लीट पैकेज है, वो अपने पूरे एंजॉयमेंट कर सकते हैं इस वीक में। बात सच्चे आशिकों की नहीं होती। ये BS तक आता ना छोड़ने के लिए। ये सिंगल्स के लिए ब्लैक डे सेलिब्रेट करा जा सकता है। और रही मेरी बात तो मेरे लिए भी ब्लैक डे से कम नहीं। माय लाइफ तो ऐसी चलती रही थी वो पबजी में। हाँ अच्छा चलिए। और मतलब आपको कैसा लगता है जब आप अपने दोस्तों को देखते हैं गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हुए मस्ती करते हुए, कैसा लगता है आपको? मेरे दोस्तों के बारे में बात करें तो उनका पर्स हमेशा खाली मिलता है, और आप मेरा पर्स कभी भी चेक कर तो भरा हुआ मिलता है। और मेरा कुछ खास प्लान नहीं है वैलेंटाइन डे के लिए। मैं वैसे भी पढ़ते जिस तरह क्लास जाता हूँ आता हूँ, और कोई खास प्लान नहीं। इट्स नॉट अबाउट कि कुछ लोग होते हैं बहुत डिस्ग्रेस करते हैं वैलेंटाइन को कि ये है वो है, बट आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा है। बस इसी टाइप का होता है वैलेंटाइन डे। नए नए लोग भी होता है, जो पहले से रिलेशनशिप में तो उनके लिए वैलेंटाइन डे का कोई महत्व ही नहीं है। इस बात की महत्व है पर उतना नहीं है तो सिंगल वालों के लिए। पहले मतलब रिलेशन में आते हैं उनकी नई चीज़ है तो हाँ उनको लगेगा कि हाँ बहुत बड़ी बात है। हालांकि इंडिया में उसका कुछ दूसरा रूप चलता है जनरली। ठीक है वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लान के बारे में, प्लान वैसे मेरा कुछ है नहीं क्योंकि उस दिन अकॉर्डिंग टू एकेडमिक कैलेंडर उस दिन क्लास है हमारे, तो मैं क्लास ही जाऊंगा।
तो हम पहुंच गए हैं कॉलेज के अंदर और हमारे साथ अभी मौजूद हैं रोहित कुमार वर्मा जी। काफी होनहार छात्र हैं ये सिविल इंजीनियरिंग के और इनसे हम राय जानेंगे वैलेंटाइंस डे पर ये क्या कहते हैं। तो रोहित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका ओपिनियन वैलेंटाइंस डे के बारे में। वैलेंटाइंस डे? हाँ जी। देखिए, मेरा तो एक ही ओपिनियन है बस इस बारे में। हाँ जी। कि ये जो 14 फरवरी है, 14 फरवरी इसे कैलेंडर से हटा देना चाहिए। अरे, ऐसा क्यों रोहित जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, ये बहुत लंबी कहानी है। हाँ जी। आपकी आवाज में तो काफी दर्द हमें लग रहा है, आपका कोई ब्रेकअप ब्रेकअप हुआ है क्या? ब्रेकअप? भाई मेरा आज तक कभी पैचअप भी नहीं हुआ है। क्या मतलब आप क्या प्रीफर करते हैं, सिंगल रहना ज्यादा बेटर है या रिलेशनशिप में रहना ज्यादा बेटर है? क्या मनाया? कभी मनाया जिंदगी में? वैलेंटाइन डे यार, सबसे बड़ी बात इस कॉलेज में आके तुम क्या बोलते हो, बर्बाद हो। इससे पहले कभी कोई वैलेंटाइन नहीं मनाया। आई हैव बीन इन रिलेशनशिप एंड आई रियली मिस माय समवन। नहीं, ऐसा नहीं है, आज से पहले और अभी कभी भी मैं रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ। अगर तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस है तो तुम बर्बाद हो, क्योंकि तुम टाइम नहीं दे पाओगे। पहली बात, पहले तुम टाइम नहीं दे पाओगे और दूसरी बात ये यार कि यहाँ आने कुछ मतलब नहीं, कहाँ जंगल लेके जाओगे, यहाँ कुछ है भी नहीं बनाने के लिए। बट उनके साथ कभी आज तक मौका नहीं मिल पाया कि वैलेंटाइन बनाओ, बिकॉज आई हैव बीन हियर इन द कॉलेज एंड मौका ही नहीं लगा कभी वहां जाने का बिकॉज ऑफ द स्टडीज। पैदल पैदल घूमो पूरा इधर, तुम्हारा उससे बड़े वॉक हो जाएगा यहाँ पर। तो मोटे में पतले रहेंगे, वो पतले और पतले रहेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंगल ही हूँ और ऐसा नहीं कि मैं विरोध करता हूँ किसी का, ऐसा भी नहीं है, सब अपनी जगह पे सही है। पर आप फोन पे तो काफी बातचीत करते रहते हैं। हो जाती है कभी कभी, है फ्रेंड्स है, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में दोस्त है। अब सबको एज इट इज गर्लफ्रेंड नहीं मान सकते। अरे नहीं, ये सीक्रेट रिलेशनशिप है जी। अरे 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 अरे, कुछ तो छुपा रहे हैं, सुनिए आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग गलत सोच रहे हैं, कहीं कोटा वोटा में कोई रिलेशन नहीं है। मैंने इससे पहले वैलेंटाइन डे कभी नहीं मनाया, क्योंकि जिस टाइम पे वैलेंटाइन डे आता था उस टाइम मेरे ब्रेकअप हो जाते थे। तो मेरे लिए बेस्ट था कि वैलेंटाइन डे पे मेरा ब्रेकअप हो जाता था, जिससे मेरे खर्चे बच जाते थे। तब तो Being in a relationship is better than being single because आपको मौका मिलता है, कोई आपको जाने, कोई आपके साथ रहे, कोई आपको समझे और आप भी किसी के लिए बहुत स्पेशल बने। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं मोहसिन अली खान के रूम में और इनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है वैलेंटाइंस डे के ऊपर। काफी सारे ग्रीटिंग भी हमें यहाँ दिख ही रहे हैं और ये देख सकते हैं काफी इंजॉय किया है इन्होंने और आज इनसे जानेंगे। ये देखिए, ये भी बढ़िया ग्रीटिंग दिख रहा है हमें। तो मोहसिन अली खान साहब से हम जानना चाहेंगे कि इन सारे ग्रीटिंग्स और गिफ्ट का आखिर सीक्रेट क्या है सर? सीक्रेट? हाँ जी। अरे ये क्या, अरे देखो भाई, अगर वैलेंटाइन बनाया होता तो ये मैंने गाना ही नहीं बनाया होता। नहीं, इसके पहले भी मैंने कभी वैलेंटाइन डे कभी सेलिब्रेट नहीं किया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि प्यार देने के लिए कोई एक दिन नहीं है, प्यार हमेशा दो, हर एक दिन प्यार का दिन है। भाई सिंगल है तो वैलेंटाइन डे कहाँ से मनाएंगे यार, ये तो कोई हमारे लिए क्वेश्चन ही नहीं है। ये देखो, अभी तो मैं फिलहाल सिंगल हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं सिंगल ही चॉइस रहेगी मेरी। अगर सीरियस हो पहले तो मैंने वैलेंटाइन डे मनाया था, लेकिन वैसा कुछ खास नहीं है यार। खुद को बहुत टाइम मिलता है, अब खुद को टाइम दे पाते हैं, पढ़ाई को टाइम दे पाते हैं, दूसरा और टाइम मांगता है, वो अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। एज अ पबजी प्लेयर मेरा मानना है कि सिंगल रहना ही अच्छा है, क्योंकि जितने भी रिलेशनशिप में है उन्हें पबजी खेलने का टाइम नहीं मिलता। टाइम आने पे सब सही हो जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको सिंगल अच्छा लगेंगे, फिर ऐसा लगेगा कि आप रिलेशनशिप में अच्छे हैं। और रिलेशनशिप भी अच्छा चीज है, क्योंकि एक दूसरे का दुख बांटने के लिए कोई होना चाहिए। ये है बटवा, इसमें नॉर्मली क्या रखते हैं? पैसे रखते हैं, इसे क्या बोलते हैं? आधार कार्ड।
जाने का किराया, एटीएम की रसीद है, देख रहे आपको कितना पैसा भरा पड़ा है मेरे पेट में। इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इस वैलेंटाइन्स डे पर आपका आखिर क्या प्लान है, आप कहाँ स्पॉट होना चाहेंगे। हम मीडिया से थोड़ी दूरी बरकरार रखना चाहते हैं इस वैलेंटाइन्स डे पे, मीडिया से दूरी बनाएंगे ताकि क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, ताकि क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। समझ जाइए बस बाकी। इनके बीच की क्या राय देंगे आप हमारे दर्शकों को कि वैलेंटाइन्स डे पर हमारे सिंगल्स और मिंगल्स जो भी हैं तो उन्हें क्या राय देना चाहेंगे। रिलेशनशिप में रहने का ये फायदा है कि आपको जो काम नहीं करना चाहते हो वो भी करना पड़ता है, तो उसकी अगर वो चाहती है कि ये काम करना है तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद से यार विश्वास ही उठ गया, वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे ये सब कुछ नहीं होता। और मैं जैसे कि देखता हूँ दूसरों को तो उनकी जिंदगी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो बोल रहा हूँ कोशिश करो आपका वैलेंटाइन भी काफी अच्छा चलता है। इससे पहले कभी नहीं मनाया वैलेंटाइन डे और शायद मुझे लगेगा जिंदगी में कभी मनाऊंगा भी नहीं। आप खुद को इतना अनलकी समझते हैं क्या? अनलकी नहीं है, वैलेंटाइन डे देखो अगर प्यार जो प्यार में है उसके लिए तो हर दिन ही एक वैलेंटाइन डे है। अरे वाह क्या बात, तो स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है। और भजन दल का भी खतरा हर चीज का टाइम है और टाइम पे जो चीजें होती है वो मतलब सही रहता है। तो मेरा मानना है कि अभी मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगल सही हूँ। और जहाँ तक बात है रिलेशनशिप में और यार सिंगल रहना, यार सिंगल रहना ही बेटर है क्योंकि यार हम लोग जो है सिंगल रह करके ही बहुत लड़कियों से फ्लर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल होने से बढ़िया मिंगल करो, प्यार लो और प्यार दो। टाइम आने पे मैं भी रिलेशनशिप में रहूंगा भाई। ऊपर से हम सिंगल, तुम ये क्वेश्चन पूछ के और दर्द दे रहे हो हमें यार, मनाएंगे कैसे हम भाई। देखो कुछ चीज प्राइवेट भी होती है, ठीक है, तो सॉरी। सिंगल्स को तो यही राय है कि मनोरंजन प्रिय बनिए, टीवी देखिए, खाइए पिए, पढ़ाई कीजिए। रिलेशन वालों को यही है कि मजे लीजिए लेकिन बंटवारा संभालिए।